सर्वप्रथम शिव कुमार मिश्रा जी, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा मित्रों की बात को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षारे शिक्षा मित्र आपके आजीवन अग्रणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। सर रमेश मिश्रा जी, सुरेंद्र दुबे सर, नाजिया जी, विक्रम सर, अवधेश सर, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है। मैं प्राथमिक विद्यालय सिहुड़ा में और ब्लॉक जसरा जिले इलाहाबाद से हूँ। 2001 में मेरी नियुक्ति हुई है सर, 2001 में नियुक्ति हुई है। मैं बीटीसी डबल एमए टेट सीटेट सब पास हूँ। और सर मैं टाइम से विद्यालय जाती हूँ, टाइम से आती हूँ, और यहाँ तक कि इतना अच्छा काम मैं करती हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना मैं पढ़ाती हूँ कि यहाँ तक कि एआरपी एबीएसए सर लोग मेरी तारीफ करके जाते हैं, और वो लोग ये तक कहते हैं कि जितना मैंने आपके लिए सुना था उससे भी कहीं ज्यादा पाया आपका रिकॉर्ड निपुण का देखने में, या आपके बच्चे कैसे हैं उसको देखने में। वंदना जी, वंदना जी, जी वंदना जी, जी यही एक मेरा सवाल। बदायूं में कहा जाता है कि एक दो तीन के बच्चों को निपुण भारत को नहीं पढ़ाएगा शिक्षा मित्र। आपके बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि आप पढ़ाएंगे निपुण। मैं ये समझ नहीं पा रहा, दोहरा खेल। यही तो है सर कि इसकी खुले जी, पोल। सर मेरे यहाँ तो ऐसा फिलहाल मेरे एबीएसए ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और मैं क्लास 2 लेती हूँ, और मेरे बच्चे 1, 2, 3 में एक को भी शिक्षा मित्र ही पढ़ाता है, 2 को ही पढ़ाता है। और निपुण की ये योजना 5 जुलाई 2021 में जो शुरुआत हुई है सर, और प्रदेश में केंद्र में 2026-27 का इसका लक्ष्य रखा गया है कि बुनियादी शिक्षा और अंकीय गणना में सारे बच्चे निपुण हो जाएं, तो उसके प्रयासरत में है। और सबसे ज्यादा मेरा क्या कहते हैं, मेरी गारंटी है, या मुझे चैलेंज ही कह लीजिए कि मेरा है कि 1, 2, 3 में सहायक अध्यापक के बच्चे जितने निपुण नहीं होंगे उतने मेरे क्लास के बच्चे निपुण हैं अभी तक। और जिस विधि से, जिस उससे पढ़ाने को कहा गया है, आकलन के हिसाब से, ट्रैकर के हिसाब से, जितना भी कहा गया है और जितना संदर्शिका के हिसाब से, उसी के नियम के तहत मैं पढ़ाती हूँ। और जितने भी मतलब अधिकारीगण आए हैं तो आज तक मेरी तारीफ ही करके गए हैं, और मेरे बच्चों की भी तारीफ करके गए हैं, कभी वो मुझसे निराश होकर के नहीं गए हैं। तो मैं पूरी कोशिश, 100% कोशिश ये करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे रहें, निपुण रहें। और केंद्र सरकार से जो योजना चली हुई है निपुण भारत मिशन की, उसमें हम सब शिक्षा मित्र मिलकर के, अनुदेशक मिलकर के कामयाब उसको बनाएं, और मोदी जी और योगी जी के में सहयोग करें। लेकिन उसके साथ साथ हम योगी जी और मोदी से जी से ये भी निवेदन करते हैं कि हम उनके साथ 100% मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी हमें उसका मेहनत का फल देने की कृपा करें। बड़ी साफ गोई से आपने बात की, लेकिन अगर मैं जी चाहूं तो क्या कुछ आपसे एक आध सवाल भी पूछ सकता हूं? जी किससे, मुझसे? जी जी, बिल्कुल पूछिए सर। शिक्षा स्तर के प्राथमिक विद्यालयों के अक्सर वीडियो वायरल होते हैं कि राज्यपाल के नाम पूछ लिए, राष्ट्रपति के नाम पूछ लिए। वो लोग कुछ जी ऐसे करके शिक्षा विभाग को बदनामी का कारण बनाते हैं, हालांकि यह कुछ नहीं है। ये सर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें ये सब फेक रहती है। फिलहाल उसमें तो शिक्षा मित्रों का नाम आता भी नहीं है, उसमें सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक का ही नाम आता है आज तक। मेरे लिए सब शिक्षक हैं। इस समय आप भी जी शिक्षा मित्र भी शिक्षक के दायरे में, और सरकार जी उन्हें जी विधानसभा में शिक्षक मानती है, हम उन्हें फिर शिक्षा मित्र क्यों संज्ञान देंगे? हमारे लिए आप भी शिक्षक हो, वो भी शिक्षक हो, वही जी सर भाई आप बिल्कुल वही, केवल वेतन का डिफरेंस है, इसी को ही तो पूरा सर करना है। बस सर, शिक्षक मानते तो हैं, जब शिक्षक और बच्चों का अनुपात माना जाता है, तो उसमें तो शिक्षा मित्रों को शिक्षक माना जाता है सर, लेकिन और गुणवत्ता भी लेने में शिक्षा मित्र को शिक्षक ही माना जाता है, लेकिन जब अभी पैसा इलाहाबाद में देने क्या बड़ी घटना हो गई है? आप इलाहाबाद से हैं, मेरा एक छोटा जी सा जी सवाल, क्या बड़ी घटना हो गई है इलाहाबाद में? सर अभी क्या कहते हैं, वही जो मर्डर हुआ, इनकाउंटर हुआ है सर, आज ही तो हुआ है सर। जी, जी सर, जी यही तो जी शिक्षक सचेत होता है, उसे पता होता है क्या हुआ। मैं सीधा आगे जी बढ़ूंगा,